और संयोग ऐसा रहा कि बचपन से ही ये जो हमें गुरु समाज मिला है, जो एक वातावरण मिला और जो बड़ों का आशीर्वाद, योगी पुरुषों का आशीर्वाद रहा, उस आशीर्वाद के तले, उस स्नेह और उस प्यार के तले, उस वृक्ष के तले बड़े होने का मौका मिला। और उस उम्र से अब तक उन योगी पुरुषों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आशीर्वाद कहीं ना कहीं मिलता रहा है। मैंने फूल भाई इसलिए कहा क्योंकि मैंने बचपन से, मेरी भावनाएं उनकी तरफ फूल भाई की तरह दिखती है। अगर उद्गार उनके लिए, सम्मान उनके लिए अगर जगता है तो एक फूल भाई के रूप में जगता है। कृष्ण को हम भगवान मानते हैं लेकिन उनको हम माखन चोर भी कहते हैं, और माखन चोर के रूप में भी हम उन्हें प्यार करते हैं और उन्हें हम आदर करते हैं। इससे मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि ये जो अपना अनुभव है वो एक अनुभव है कि अपने जीवन को अगर हम नैसर्गिक बनाए, आडंबरहीन बनाए, एक उसके निरंतर प्रवाह में अगर उसको बहने दें तो शायद उसका आनंद, उसका संतोष ये कुछ और होता है, वह अनुभव की बात होती है। और ये भाव जो अंदर से, हृदय से उनके प्रति इस नाम से निकलता है वो नैसर्गिक है, बहुत ही प्राकृतिक है, और वो भाव बहुत ही संतोष और बहुत ही प्रिय है। इसलिए मुझे क्षमा करते हुए भी इसे उद्दंडता न समझे, मेरी भावना समझे, उतनी ही आदर है। और मुझे वो प्रश्न है, वो समय भी याद है, मेरे पिताजी बैठे हुए थे, किसी तरह का संग हो रहा था, मैंने संग बहुत कम अटेंड किए हैं बचपन में भी, हालांकि मौका बहुत मिला, मैं नहीं कहूँगा कि कम अटेंड किया, लेकिन हाँ जो एक सीरियसनेस के साथ मैं होना चाहिए या जो एक भाव के साथ होना चाहिए, तो बच्चे थे बचपन की तरह, अभी भी बच्चे खेलते रहते हैं, इस तरह का मौका बहुत मिला। उस बीच में जैसा अभी गुरु महाराज ने कहा कि शंका हो सकती है आपको, कुछ आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं, कुछ आपके अपने ओपिनियंस हो सकते हैं, तो उनको हम लोगों को जाहिर करना चाहिए। तो ऐसे ही एक किसी संघ में, पटना के संघ में हम लोग बैठे हुए थे, पिताजी बगल में बैठे थे, और जैसा आज मुझे लगता है हर के मन में ऐसा संशय होता होगा, प्रश्न उठते होंगे खास करके युवाओं में, तो उस समय मेरे भी दिमाग में उठा कुछ प्रश्न, मैं इनसे स्ट्रेट अवे पूछ लिया, जो कि बहुत सकारात्मक प्रश्न नहीं होगा। मेरे पिताजी ने रोक दिया और उन्होंने कहा कि अरे बच्चा है ये इस तरह से पूछ रहा है, तो इनका बड़ा सार्थक जवाब मिला, सकारात्मक, मुझे संतोष दे दिया इनके जवाब ने। इन्होंने क्या जवाब उसका एक्सप्लेन किया वो मुझे याद नहीं, लेकिन ये कहा कि लेट द क्वेश्चंस कम, क्वेश्चंस आल्सो इंडिकेट द इंटेलिजेंस एंड विजडम ऑफ द पर्सन। आई थिंक ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, या किसी के लिए भी बात बहुत बड़ी बात है कि अगर आपको मौका मिले कि हाँ अपनी अपनी बात की, मन की बात को कह सके। मुझे खुशी है कि आज मैं इस मंच पे आप सबों के सामने कुछ अपनी बात कहना चाहूँगा, शायद कोशिश करूँगा संक्षेप में करूँ, लेकिन अगर 5 मिनट लग भी जाए तो मुझे क्षमा करेंगे, मौका देंगे। इन तमाम आज मेरी उम्र करीब 49 वर्ष की है, और इसमें 9 वर्ष से मैं दीक्षा ले रहा हूँ, मुझे पता नहीं कि कितने दिन मैंने सीरियसली बहुत अच्छे ढंग से साधना की होगी, लेकिन हाँ साधना के फल मिले, और साधना जब अच्छी की है तो उसकी अनुभूति भी अपनी अनुभूति है, जो कि मैं नहीं कहता कि कहीं भी योगी पुरुषों के नज़दीक है, लेकिन जो अनुभव है वो अपने में अनूठा अनुभव है। मैं आज
अपनी जो एक मेरी मान्यता है, मैं ये कहना चाहूँगा, जो कि गुरु महाराज से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा, और वो खुद देखते हैं, हम सब देखते हैं, कि शायद हमारी सोच इस साधना इस क्रिया के आसपास चमत्कारों में उलझ गई है। हम लोग मिरेकल की अपेक्षा करते हैं, हम लोग चमत्कारों की अपेक्षा करते हैं और उससे इसको जोड़ते हैं। मूल में हमारी क्रिया है, साधना है, और उस साधना को करके क्या आपके जीवन में परिवर्तन आ सकता है, वो आप सिर्फ 15 मिनट करके देखें, उससे आपको पता चलेगा। मैंने वो स्थिति भी देखी है, सही या गलत, जबकि मुझे मौका नहीं मिलता, मैं बैठ करके 15 मिनट नहीं कर सकता, लेकिन मैं रास्ते में कार में अगर 5 मिनट हूँ तो भी मैं अजपा करता हूँ और उससे भी एक परिवर्तन करता हूँ। तो ये सिर्फ जय गुरु के उद्देश्य से, ये बाबा के उद्देश्य के इस पर्दे में, इस आडंबर में, हमें शायद यह सिर्फ इसका उद्देश्य ये नहीं समझ लेना चाहिए कि हमें कुछ इस जीवन में हमें अचानक सा चमत्कार मिलेगा। चमत्कार आपको स्वतः मिलेगा, अगर उनकी शरण में है तो वो मिलेगा। चमत्कारों को हाईलाइट करने की बात नहीं है, उसको अनुभव कर उसके प्रति अपने आभार को व्यक्त करने का हमारा उद्देश्य होना चाहिए। हम गीता पढ़ते हैं, महाभारत भी जब मौका लगता है तो सुनने का मौका मिलता है, भागवत मिलने का मौका मिलता है, पुराण सुनते हैं, कोट करते हैं, लेकिन आज तक इस उम्र तक भी विभिन्न कारणों से चाहते हुए भी हम अब उसके गूढ़ बातों को आत्मसात नहीं कर पाए, उसकी सार्थकता संदर्भ, उसके संदर्भ को हम अभी तक नहीं समझ पाते। आज से इस जब हम परलोक की बात करते हैं, इस जीवन के आगे की भी बात करते हैं, तो भी हमें वो, मैं बहुत ईमानदारी के साथ कहता हूँ कि मैं आश्वस्त नहीं हो पाता हूँ कि कल की हमारी कैसी तैयारी है, क्या तैयारी, क्यों तैयारी, कल कहाँ होंगे हम, कैसे होंगे, वो परलोक है, स्वर्ग है, नर्क है, नहीं है, क्या है, क्या ये एक ऐसी व्यवस्था है, ये परिकल्पना है जिससे ये समाज चले, या फिर अगर वास्तव में है भी तो किसने देखा। तो मैं अपने अनुभव से ये कहना चाहूंगा कि ये जो क्रिया, ये साधना, ये जो भक्ति भाव है, ये आप, हम एक मिनट के लिए अगर उस भविष्य को, उस पर लोक से भी अगर छोड़ दें और आज के इस जीवन को ही अपने जीवन रोज के दिनचर्या से जोड़ करके देखें, तो भी मुझे लगता है कि क्रिया का प्रभाव एक अद्वितीय प्रभाव है। और मैं ये बस कुछ छोटे ये चंद उदाहरण से आपको बोलूंगा, हम क्या चाहते हैं, एक शांति चाहते हैं, एक सुख चाहते हैं, एक चैन की नींद चाहते हैं। जब हम किसी काम, कहीं कुछ काम करते हैं तो हमें ऐसा लगना चाहिए कि हमें कोई भय ना है, हमें भय आक्रस्त ना करे, एक पॉजिटिविटी हमारे, एक सार्थकता हमारे जीवन में, एक सार्थकता रहे, हम अपने को कभी डिप्रेस न फील करें। और आज के संदर्भ में, आज के समय में तो ये सब चीज़ें और भी बहुत ज़रूरी है, जबकि हर कोई तनाव में है, हर कोई डिप्रेशन में है, हर कोई निगेटिविटी की बात करता है, हर कोई फेलियर की बात करता है, और इसमें हमें अपने अपने स्पिरिट को, अपने थिंकिंग को पॉजिटिव बना करके, अपनी पूरी ऊर्जा को एक दिशा में, एक सार्थक दिशा में उसको एक डायरेक्शन देने की जरूरत होती है, और तब उसमें एक उससे एक आनंद लेने की जरूरत होती है, उससे एक संतोष प्राप्त करने की जरूरत होती है। और मैंने यह देखा है कि यह थोड़ा सा हमारा प्रयास, ये 49 वर्ष का या 40 वर्ष का अनुभव जिसमें हम क्रिया से जुड़े हैं, क्रिया करने के बाद जो एक आपके अंदर जो एक साहस, जो एक बल, जो एक विश्वास, जो एक सार्थकता, जो एक ऊर्जा, जो एक नई सोच, क्रिएटिविटी, हम कहते हैं कि हम और आप सफलता की बात करते हैं कि हम क्रिया करेंगे तो सफल हो जाएंगे, हम क्रिया करेंगे तो हमें इतना पैसा मिल जाएगा, हम क्रिया करेंगे तो हम इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाएगा,
वो कैसे मिलेगा? वो इसलिए मिलता है क्योंकि आपका व्यवहार, आपकी सोच, आपका सब कुछ उस दिशा में फिर वो काम करने लगता है और आपके पास वो नई सोच, नई विचारधारा, नए लोग जुड़ने लगते हैं और आप वो काम करने लगते हैं। और यह मैंने कठिन से कठिन परिस्थितियों में और अच्छे से अच्छे परिस्थितियों में अनुभव किया है। मैं उन डिटेल्स में जाना नहीं चाहूंगा, मेरा सिर्फ यही निवेदन, मैं इन इन इस बात को कहकर कि यह आपको बताना चाहता हूं कि यह इस दृष्टिकोण से भी अगर आप देखें, बहुत सेल्फिश होकर के भी देखें, स्वार्थनिष्ठ होकर के भी देखें कि इस जीवन में, रोज के जीवन में मुझे क्या लाभ मिलने वाला है, क्या संतुष्टि मिलने वाली है इस चीज से, तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा लाभ आपको क्रिया करने से मिलेगा, उसके अलावा नहीं कर मिल सकता। और ये अगर आप क्रिया करें तभी आप इस चीज को अनुभव कर सकते हैं। यू विल सी अ मार्क डिफरेंस। और कल जब, और सबसे पहली बात, और इसमें यही चीज है कि जब आप ये क्रिया करेंगे तो इसके साथ साथ की और भी जो भाव है कि मनुष्य को मनुष्य की तरह समझना, उसको इज्जत देना, प्रेम बांटना, जो कल 3-4 मूल मंत्र गुरु महाराज जी ने हमें दिया, उन मंत्रों की भावनाएं, उन भावनाओं की भी आप में प्रस्फुटन होगी और आप स्वतः आपका व्यवहार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के प्रति परिवर्तित होगा, एक दूसरे के प्रति आपका स्नेह बढ़ेगा और ये आपकी पूरे मानसिक और शारीरिक संतुष्टि और संतोष का एक बहुत बड़ा कारण बनेगा। मैं इससे ज्यादा और ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, अनुभव के डिटेल्स में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन मेरा यही प्रयास होगा। मैं जो देखता हूँ, मैंने वृंदावन में भी अटेंड किया और ये मैं निवेदन करूंगा कि शायद हमें कहीं पर कुछ ना कुछ थोड़ा स्ट्रिक्ट होने की जरूरत होगी। पप्पू जी ने भी अभी कहा कि हमारे बाबा काफी लिबरल हैं, बहुत छूट दिया हुआ है सभी को, उनके विवेक पे छोड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि हमें इस बात पे खुद जिम्मेदारी लेते हुए इस कभी चाहे उत्सव का जो एक किसी भी उत्सव का आकार प्रकार, उसकी जो ऑब्जेक्टिव्स हों, उसके जो फोकस हों, उसमें हम लोग इस चीज को मूल बिंदु पे लाएं कि हम अधिक से अधिक लोग इस क्रिया को कैसे कर सकते हैं, कैसे उसको हम विकास कर सकते हैं, कैसे हम उसके और इसकी समझ को हम कैसे सही दिशा दे सकते हैं। आज की समझ जो लोगों से बात करने के पे मिलती है, वो समझ सिर्फ यही है कि हाँ, मैंने दीक्षा ली, मैंने गुरु को का 10 बार नाम लिया, गुरु के प्रति जय गुरु किया और मुझे उसका लाभ स्वतः मिल जाएगा, मिलेगा। लेकिन शायद उससे बड़ा लाभ जो जिससे आप वंचित रह जाएंगे, वो उसको पाने के लिए आपको क्रिया करनी पड़ेगी। और यह सिर्फ बार बार विवेचना करने से होगी, बार बार उसके लिए विचार करने से होगा, लोगों से मिलने से होगा, संपर्क करने से होगा। और इसमें हम लोगों को, हम लोग अपना क्या योगदान कर सकते हैं, खास करके वे लोग जो अब उस पीढ़ी में आ गए, जो जहाँ से जो अगले 10-20 साल तक इस परंपरा को और मजबूत कर पाए, उनके लिए ये बड़ी जिम्मेदारी बनती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः अपना स्नेह, अपना आभार और अपना प्यार आपके समर्पित करना चाहूँगा।